वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की जलवायु। क्या देखने वाले हैं? भारत की जलवायु। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भारत की जलवायु। इसके पहले मैंने तीन वीडियो बना के रखे हुए हैं, उन तीनों वीडियो को जाके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग यहाँ वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि ब्राजील की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है, वहां का तापमान और वर्षा में क्या संबंध है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने देख चुकी है। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले भारत की जलवायु और वर्षा के बीच में क्या संबंध है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक भारत का मानचित्र लेना पड़ेगा, ठीक है। भारत के मानचित्र में अगर हम बात करेंगे तो ये समझ लो भारत का मानचित्र है, समझ रहे, थोड़े समय के लिए इसको समझ लो भारत का मानचित्र, थोड़ा बड़ा समझ के कर लेंगे। तो नीचे क्या हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है और ये जमीन है। तो हिंद महासागर की तरफ जब तापमान ज्यादा रहेगा, जब तापमान हिंद महासागर की तरफ ज्यादा रहेगा तो तापमान कहाँ कम रहेगा, भूभाग पर, भूभाग पर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और जब भूभाग पर तापमान कम रहेगा तो हिंद महासागर में तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तापमान ज्यादा रहता है, तापमान ज्यादा रहता है मतलब उस वहां पर हवा का दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, हवा का दाब कम हो जाएगा। और जहां पर तापमान कम रहता है वहां पर हवा का दाब ज्यादा हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि, और हाँ, यहाँ तापमान ज्यादा होने का कारण यह है कि हमारे भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है और भारत के एकदम दक्षिणी ओर, मतलब जहां पर हमारा बोल सकते हैं तमिलनाडु, केरल या श्रीलंका जहां पर है, तो वहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो हमारा जो भारत है आधा हिस्सा वह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आता है। और भूगोल के अनुसार जो हिस्सा या जो देश या जो इलाका कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आएंगे वहां का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ने की वजह से उस इलाके का तापमान जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जब समुद्र के बीच में, जब हिंद महासागर के नीचे हम लोग जाएंगे और करीब जाएंगे तो वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तापमान वहां पर बढ़ेगा तो वहां का जो हवा का दाब है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और जब तापमान हिंद महासागर में बढ़ेगा तो हमारा जो भारत है उस भारत में तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर हवा का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हवा का दबाव बढ़ जाएगा। जब तापमान कम होगा तो हवा का दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए जो मानसून हवाएं होती हैं, ठीक है, हमारी जो मानसून हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ जाती हैं, दिख रहा है, भारत के जो ये प्रायद्वीप इलाका है जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है यहाँ से हवाएं आती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, उच्च दबाव से कम दबाव की ओर क्या होती जाती है। तो हिंद महासागर क्या करता है, उन हवाओं पर, जब हिंद महासागर का तापमान कम रहेगा तो वहां हवा का दबाव क्या रहेगा, हवा का दबाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा दबाव से हवाएं कहां जाती हैं, कम दबाव की ओर जाएंगी। तो हवाएं यहां से निकलेंगी भारत के पश्चिमी तटवर्ती घाट से और यहां से होते हुए कहां चली जाएंगी, भारत के अंदर, और भारत में क्या होगी, वर्षा होगी। और जब भारत का तापमान कम ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है। तो जब भारत का तापमान ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर भारत में तो हिंद महासागर का तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है। तो हवाएं क्या हो जाएंगी, वापस हिंद महासागर की तरफ चले जाएंगी। तो हवाएं जो होती हैं वो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर क्या करती है, जाती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा होगी। और एक कारण और है कि जो हमारा हिमालय है ये हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, वहां पर हवा का दबाव क्या होता है, उतना कम होता जाता है, ठीक है। हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा का दबाव क्या होता है, कम होता जाता है और वह इलाका ठंड वाला इलाका बन जाता है। कौन सा इलाका बन जाता है, ठंड वाला। तो यहाँ पर हिंद महासागर की जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से जो जो मानसून हवाएं आती है, ये मानसून हवाएं सारी की सारी हिंद महासागर द्वारा क्या होती है, रोक ली जाती है। अब जब रोक ली जाएंगी तो ये मानसून हवाएं हिमालय पर्वत पार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से चीन में तिब्बत नाम की जगह पर या चीन में अधिकतर स्थानों पर वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण हो जाता है, क्योंकि वहां पर मानसून हवाएं नहीं जा पाती हैं, ठीक है। और चीन से आने वाली जो ठंडी हवाएं रहती हैं वे हवाएं भी हिमालय द्वारा क्या होती है, रोक ली जाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी जितनी मानसून हवाएं हैं वह हिमालय न होने की वजह सारी की सारी हवाएं कहाँ चली जाती, चीन में चली जाती। तो चीन में क्या होता, वर्षा होता और हमारे भारत में बारिश कम होती। और साथ ही साथ जो हवाएं चीन से आती हैं, जो हवाएं चीन से आती ठंडी हवाएं, वह हिमालय न होने की वजह से वो डायरेक्ट कहाँ पर आ जाती, भारत में आ जाती। इसलिए जो उत्तर भारत का बहुत ज्यादा इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पर एक बार एक तरह से यह बात हो गई कि हिमालय जो है वो हमारे
प्राकृतिक प्राकृतिक दृष्टि से हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हिमालय की वजह से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। वर्षा के लिए हिमाचल, हिमालय और यहाँ पर मानसून हवाएं, और मैंने बताया कौन सा, हिंद महासागर। हिंद महासागर जब दबाव ज्यादा होगा तो व्यापारिक हवाएं कहाँ चली जाएंगी, भारत में चली जाएंगी। ठीक है, मानसूनी हवाएं। फिर जब भारत में दबाव कम हो जाएगा, तो जब भारत में दबाव बढ़ जाएगा तो हवाएं कहाँ चली जाएंगी, हिंद महासागर में। इस तरह से भारत में वर्षा होती है। तो अगर आप लोगों को बता दूं मैं, तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर याद ढूंढोगे तो भारत में मानसून जो हवाएं होती हैं वो सबसे पहले केरला में आती है। कहाँ पर आती है, केरला, एकदम नीचे है केरला, वहां पर 1 जून को मानसून हवाएं आ जाती हैं। उसके बाद 5 जून को मानसून हवाएं कर्नाटक में, उसके बाद हमारे मुंबई में हवाएं जो है वो 10 जून को आती है, और फिर उसके बाद 1 जुलाई तक जो हवाएं वो अरावली पर्वत के समांतर चली जाती है। आपको मालूम है ना, ये गुजरात से जो मानसून हवाएं आएंगी, ये अरावली पर्वत होने की वजह से वे राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में वो मानसून हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो अवरोध उत्पन्न करता है उन हवाओं में। ठीक है, तो ये हवाएं अरावली मतलब राजस्थान या गुजरात में न जाकर ये सीधे सीधे अरावली पर्वत के समांतर जाती है, और कहां चली जाएंगी, हिमालय के पास चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में बरसात नहीं होती और वह रेगिस्तान बन चुका है। ठीक है, उसको वृष्टि छाया का प्रदेश कहते हैं। इस तरह का प्रदेश हम लोग ब्राजील में भी देखने वाले हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और यही बात रही चेरापुंजी में, तो यहां पर जो दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं हैं ये डायरेक्ट पूर्व भारत में चली जाती है। जो चेरापुंजी है, मोसिन राम है, वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। और फिर ये हिमालय यहाँ पर भी है, पूर्वी हिमालय, आपने पढ़ा हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में तीसरे लेसन में पढ़ाया हुआ है। पूर्वी हिमालय द्वारा व्यापारिक हवाएं रोक ली जाती है, जिसकी वजह से आगे हवाएं नहीं जाती है। ठीक है, और जब ये हवाएं जाएंगी तो जब भारत का तापमान दबाव कम हो जाएगा बच्चों, जब दबाव अधिक हो जाएगा तो वे हवाएं जो है वे हिमालय को पार नहीं कर पाएंगी, तो हिमालय से टकरा करके आ जाएगी, वापस आ जाएगी, यू टर्न ले लेंगी। जब टकरा कर वापस आएंगी तो वे हवाएं वापस आते समय ना चेन्नई में या कुछ स्थानों पर, दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर वापस क्या होगा, वर्षा होगा, क्योंकि वे हवाएं वापस टकरा के आती हैं। यहाँ पर जैसे पूर्वी हिमालय टकरा के हवाएं आएंगी तो चेन्नई में, तमिलनाडु में, यहाँ पर वापसी का मानसून होता है, इसलिए चेन्नई में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हवाएं वापस आती हैं, ये जो मानसून हवाएं हैं, ये जो भारत को मतलब हिमालय से टकरा कर वापस आती हैं और चेन्नई में फिर से बारिश होती है, इसको कहा जाता है वापसी का मानसून। क्यों मानसून क्या होता है, वापस लौट के आता है और चेन्नई में फिर से बारिश करवाता है, इसलिए चेन्नई में जो वर्षा काल की कालावधि है वह बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां जून में से बारिश स्टार्ट होता है और बारिश चलता है दिसंबर तक, लेकिन जून से जब बारिश शुरू होता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीने में ज्यादा, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में बारिश ज्यादा नहीं होती है। जब हवाएं वापस लौट के आती है हिमालय से टकरा कर वापस आती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में चेन्नई में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसे वापसी का मानसून कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास 4 शहर दिए गए। ठीक है, भारत के जलवायु का अध्ययन करने के लिए 4 शहरों का तुलनात्मक अध्ययन हमको करना पड़ेगा। पहला शहर है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई। ठीक है, ये 4 शहर दिए गए। ये चारों शहर भारत के अलग अलग हिस्से से, जैसे कोलकाता आप लोग देख सकते हो भारत के किस हिस्से से, ठीक है, पश्चिम बंगाल में रहता है। दिल्ली उत्तर भारत की तरफ, मतलब आपको मालूम उत्तर प्रदेश में है दिल्ली, और मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में, देख लीजिए पश्चिमी घाट के पास, और चेन्नई एकदम नीचे प्रायद्वीप में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने में क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, इन 4 महीने बारिश होती है, तो दिल्ली में ना बारिश बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है ना वो बहुत उत्तर दिशा में आता है। ठीक है, वहां तक हवाएं ज्यादा नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक हवाएं पहुंचती हैं तो हिमालय टकरा कर वापस चली जाती है। यहाँ पर दिल्ली में इसलिए बारिश का जो महीना है वो थोड़ा सा कम है, तुलना करें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से, तो दिल्ली में वर्षा कम होती है। और कोलकाता में देख लो वर्षा की कालावधि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर में थोड़ी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि कोलकाता जो है वो कोलकाता पूर्व भारत में, ठीक है, यहाँ से व्यापारिक हवाएं आती है सीधे कहाँ चली जाएंगी, कोलकाता में, इसलिए कोलकाता में बारिश की जो कालावधि, वर्षा की जो कालावधि है वह ज्यादा है। अब मुंबई में आ जाइए, अब मुंबई पश्चिमी घाट में, जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट में तो वहां पर व्यापारिक हवाएं सीधे मिलती होंगी,
ठीक है, और वहां पर अरावली पर्वत भी है, तो अरावली पर्वत क्या करता है उन मानसून हवाओं को रोक लेता है, जिसकी वजह से मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है। आपने बहुत बार सुना भी होगा मुंबई में बाढ़ आती है बहुत ज्यादा, ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आई जाती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर इन ये महीना है जो मुंबई में बरसात होता है। और चेन्नई की बात करें, चेन्नई में देखो बारिश शुरू होती है जून से, जून में बारिश है, जुलाई में बारिश है, अगस्त में, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली मुंबई और कोलकाता में, तो यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और चेन्नई में नहीं होती है। तो चेन्नई में बारिश शुरू होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में, ठीक है, वो कारण मैंने बताया वापसी का मानसून, ठीक है, हिमालय से टकरा कर वो मानसून हवाएं जो होती है यू टर्न ले लेती हैं और पूर्वी पूर्वी भारत से भी मानसून हवाएं आती हैं और जिसकी वजह से सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में चेन्नई में बारिश होती है और इन को इसको कहा जाता है वापसी का मानसून। अब ये बारिश के बारे में देख ली, वर्षा के बारे में हम लोग देखते थे, तापमान तापमान के बारे में देखेंगे तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान, ये देखो न्यूनतम, अब आप सूची में देख लो, न्यूनतम तापमान के लिए आपको ब्लू लाइन देखना है और अधिकतम तापमान के लिए आपको पिंक लाइन देखना, ठीक है, पिंक कलर की लाइन है, गुलाबी कलर की। तो न्यूनतम तापमान देखो दिल्ली का 6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आपने सुना होगा दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा गिर जाता है वहां पर, मतलब दिखाई नहीं देता रास्ता आगे क्या है, देरा छा जाता है, कोहरा बहुत गिरता है वहां पर, और दिल्ली में सबसे ज्यादा जो तापमान है वो 41 है। तो न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान कितना है 41। कोलकाता में न्यूनतम तापमान देख लो बच्चों कितना है, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 10 से कम, मतलब 9, ये न्यूनतम तापमान है। और अधिकतम तापमान अगर हम लोग बात कर लें तो 36, कितना बच्चों 36 या 37 आप बोल सकते हो, ठीक है, 36-37 आप बोल सकते हो। मुंबई में न्यूनतम तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान आप लोग यहां पर देखो 34, देखो रेड वाला पिंक वाली लाइन 36। और चेन्नई में न्यूनतम तापमान देख लो आप लोग तो आपको मिलेगा 21, कितना मिलेगा 21, और अधिकतम तापमान 40 से कम, मतलब 39। ये मैंने क्या बता दी, तापमान श्रेणी बता दी अलग अलग राज्यों की, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। चेन्नई और शेष भारत में वर्षा काल में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो चेन्नई और शेष भारत में देखा जाए तो शेष भारत में जून जुलाई अगस्त महीने बारिश होती है और चेन्नई में बात करें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, इन महीने बारिश होती है। क्यों, उसका कारण यह है वापसी का मानसून, ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया। इधर दूसरा प्रश्न दिया है, दिल्ली एवं कोलकाता में तापमान वक्र में क्या समानता दिखाई देता है, दिल्ली और कोलकाता तापमान वक्र, दिल्ली और कोलकाता देखिएगा, दिल्ली और कोलकाता, अगर दिल्ली में बात करें तो तापमान जो है वह जनवरी से लेकर मई तक, जनवरी से लेकर मई तक क्या होता है बढ़ता है, जनवरी से लेकर मई तक क्या हो रहा है बच्चों बढ़ रहा है, और अगस्त में देखो अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्या होता है कम होता है। देखो जनवरी से मई में बढ़ रहा है मई तक तापमान, तापमान श्रेणी जो है वो जनवरी से लेकर मई तक बढ़ रही है। देखो ब्लू पिंक वाली लाइन देखो और ब्लू वाली लाइन देखो, आपको दोनों समझ में आएगा, दोनों में देखो यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो, तो आपको समझ में आया जनवरी से लेकर मई तक बढ़ रहा है और जैसे ही अगस्त आता है, अगस्त अगस्त यहां पर भी देखो अगस्त और यहां पर भी देखो अगस्त, अगस्त के बाद तापमान श्रेणी क्या होता है कम होता है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। चारों शहरों के औसत न्यूनतम और एवं अधिकतम तापमान श्रेणी गणना करो, मैंने चारों शहरों के बारे में बता दिया है न्यूनतम और अधिकतम तापमान श्रेणी कैसी कितनी है। जैसे दिल्ली की न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 41 और कोलकाता का न्यूनतम अधिकतम तापमान श्रेणी 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का न्यूनतम तापमान कितना है 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई का न्यूनतम तापमान 21 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। किस शहर का तापमान कक्षा कम है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, किस शहर का तापमान कक्षा कम है, देखो किस शहर का तापमान कक्षा कम है, तो तापमान कक्षा की अगर बात करें तो आ जाएगा चेन्नई, ठीक है ना, तापमान कक्षा में कौन आ जाएगा चेन्नई आ जाएगा, ठीक है, चेन्नई देख लो यहां पर चेन्नई का तापमान कक्षा बहुत ज्यादा कम है यहां पर देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे किस शहर का तापमान, ये हो गया मुंबई के तापमान एवं वर्षा के आधार पर जलवायु का अंदाजा बताइए, मुंबई की तापमान और वर्षा देखे तो तापमान बहुत ज्यादा तो नहीं है, हाँ ज्यादा भी है यहाँ, मतलब आर्द्र हो गया और वर्षा भी उतनी ज्यादा होती है, तो हो गया आर्द्र और उष्ण, आर्द्र और मतलब हवा में क्या रहेगी आर्द्रता रहेगी और जलवायु क्या रहेगी उष्ण रहेगी गर्म रहेगी, ठीक है, आर्द्र और उष्ण।
इन शहरों की जलवायु सम और विषम में बताइए। तो सम जलवायु किसकी किसकी रहेगी, देखो ये दिल्ली और कोलकाता की जलवायु क्या रहेगी, सम रहेगी, क्योंकि तापमान श्रेणी जो होता है एक साथ बढ़ता और एक साथ क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, सम हो गया। और मुंबई और चेन्नई की बात करें तो ना इसका तापमान जो है वह एक फिक्स नहीं है कि कब बढ़ेगा कब कम होगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। ठीक है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। देश के बीच में से गुजरने वाली कर्क रेखा तक सूर्य किरण लंबवत होते हैं। सही बात है, हमने मैंने पहले बताया कि भारत देश में से बीच में से 8 राज्यों में से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी वजह से वहां पर सूर्य प्रकाश क्या होता है, लंब बिखरता है और वहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है और दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे भारत के दक्षिण की तरफ जाएंगे, साउथ में जाएंगे, वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और हम लोग जितना भारत के ऊपर जाएंगे, हिमालय की तरफ जाएंगे, उतना तापमान क्या होता है, कम होता है। और जहां तापमान कम होगा वहां पर वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कम हो जाएगा। ये लॉजिक जो है साइंस विज्ञान से संबंधित है, तो इसको यहीं तक समझो। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान देखो 40 डिग्री, मतलब जब सर्दी का मौसम आता है तो जम्मू कश्मीर या हिमालय जैसे पर्वतीय इलाकों में तापमान जो है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, बर्फ बन जाता है वहां पर। भारतीय जलवायु की विविधता के मुख्य कारण अनचासी स्थिति और समुद्र सतह से ऊंचाई। अनचासी स्थिति हमारा, ठीक है, अनचासी स्थिति मतलब हमारा जो भारत है वह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आता है। ठीक है, हमारे भारत का जो आधा हिस्सा है वह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आता है। ठीक है, ये अनचासी स्थिति हो गई। समुद्र सतह मतलब अब हमारे भारत को देखो, हिंद महासागर मिला, ठीक है, और हिंद महासागर में समय समय पर चक्रवात निर्माण होते हैं। चक्रवात निर्माण होने की वजह से भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बांध जैसी समस्याएं आती, बाढ़ आ जाती। देखो आपने देखा ना, मतलब दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हर साल कहीं ना कहीं बांध आती है। आपने बहुत फेमस सुना होगा बिहार में या नेपाल में, और बीच में पिछले साल तो उड़ीसा में भी आया था। तो इस तरह से वहां पर बाढ़ आते हैं। समुद्र सतह की ऊंचाई, यह किसकी वजह से होता है, समुद्र सतह की ऊंचाई की वजह से होता है। हिंद महासागर और हिमालय पर्वत भारतीय हवामान एवं मानसून पर बहुत प्रभाव डालते हैं। सही बात है, दो जन है जो हवा में हवा की स्थिति बदलते हैं, एक हिंद महासागर और दूसरा हिमालय। ये दोनों की वजह से हमारे भारत में वर्षा होती है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद भारत में इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली अत्यंत शीत हवाओं को रोक लेता है। उत्तर की ओर से मतलब चीन में जो तिब्बत है ना, तिब्बत से आने वाली जितनी शीत हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वह क्या करता है, हिमालय अपनी तरफ क्या करता है, रोक लेता है। रोकने की वजह से वो हवाएं भारत में नहीं आ पाती। अगर वे भारत, मान लीजिए अगर वे हवाएं भारत में आ जाती तो हमारा जो उत्तर भारत है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती, तो हिमालय यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हिमालय के शिवालिक, वो जो शिवालिक पर्वत है, 4 पर्वत है ना हिमालय में, हिमाचल पर्वत श्रेणियों द्वारा मुड़ जाती है। ठीक है, मैंने बोला ना वो हिमालय से शिवालिक पर्वत और हिमाचल की श्रेणियों द्वारा क्या होती है, हवाएं मुड़ जाती है। पंजाब का मैदानी प्रदेश व राजस्थान के थार में उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। आपको मालूम है, अब राजस्थान जो और पंजाब का जो मैदान है वहां पर कर्क रेखा के पास है वो लोग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया अब तक कि वो कर्क रेखा के पास है, तो वहां पर तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब तापमान ज्यादा रहेगा बच्चों, तो वहां पर दबाव, हवा का दबाव क्या रहेगा, कम रहेगा। जब हवा का दबाव कम रहेगा, अब मैंने बताया हवा का दबाव क्या है, कम, तो हिंद महासागर में हवा का दबाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब हिंद महासागर में हवा का दबाव ज्यादा रहेगा तो हवाएं जो होती है वह अधिक दबाव से कम दबाव की ओर क्या करती है, जाती है। तो हिंद महासागर से हवाएं कहां आएंगी, अब भारत में आएंगी। ठीक है, यही कारण है। इसलिए हिंद महासागर में अधिक दबाव वाले क्षेत्र से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहने लगती हैं। इन वाष्पयुक्त हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। अब हवाएं जो होती है हिंद महासागर से कहां आगे, भारत में आ गई, और उन हवाओं में क्या है, वाष्प है, इसलिए वहां पर वर्षा होगी। ये हवाएं पश्चिमी पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है। सही बात है, पश्चिमी और पूर्वी घाट क्या करते हैं, उन हवाओं को रोकते हैं, और इसकी वजह से पश्चिमी और पूर्वी तटों पर बारिश ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, परंतु घाट के वातानुमुख प्रदेश में वर्षा का, वातानुमुख प्रदेश मतलब घाट के दूसरी तरफ वहां पर हवाएं नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां पर क्या निर्माण होता है, वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है बच्चों।
ठीक है, ये हवाएं अरावली पर्वत के श्रेणियों में समांतर बहती है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो हवाएं हैं मानसून हवाएं हैं वो अरावली पर्वत के क्या है समांतर बहती है। जब समांतर बहेंगी तो वो राजस्थान और पंजाब या गुजरात का कुछ इलाका है जहां पर मानसून हवाएं नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से उन इलाकों में बारिश नहीं होती है और वो हवाएं कहाँ चली जाती है, सीधे हिमालय की तरफ चली जाती है और ये हवाएं आगे चल के हिमालय की ओर बढ़ती है, उनकी वाष्प शक्ति बढ़ती है। सही बात है, हिमालय ऊंचा है ना, ऊंचा है तो बादलों का जो वाष्प धारण शक्ति है वो जितना ऊंचाई पे जाएगा उसकी वाष्प धारण शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पूरा पूरा बारिश वहीं पर हो जाएगा। हिमालय की प्राकृतिक दीवार के कारण पुनः अवरोध पैदा होकर प्रतिरोधी प्रकार की वृष्टि होती है, इसलिए हिमालय के पास के इलाकों में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है, मतलब बहुत भयंकर बारिश होती है। ठीक है, बारिश बहुत तेज होती है। ठीक है, उस बारिश का जो 2000 मिमी से ज्यादा बारिश वहां पर होने लग जाती है, हिमालय से ही हवाएं वापस लौटने लग जाती है। अब देखो वापसी का मानसून वाला टॉपिक आ रहा है, हिमालय से ही हवाएं वापस लौट जाती है क्योंकि हिमालय ने क्या करते हैं हवाओं को रोक लिया, तो हिमालय से हवाएं वापस लौट जाती है और उनकी वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। उत्तर पूर्व मतलब असम उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर पूर्व हिंद महासागर की ओर लौटते समय हवाएं प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा कराती है। ये वापसी का मानसून कहलाता है। इन हवाओं का क्या कहा जाता है, वापसी का मानसून कहा जाता है। तो हिमालय से हवाएं मुड़ जाती है और उत्तर पूर्व जो भारत है, असम हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, इन यहां से भी हवाएं क्या होती है वापस मुड़ जाती है, इसलिए भारत के प्रायद्वीप मतलब दक्षिणी इलाके में वापस बारिश होती है। यह वापसी का मानसून कहलाता है। कुछ कुल मिलाकर भारत की जलवायु वर्ष भर क्या रहती है, उष्ण ही रहती है। सामान्यतः कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको उन राज्यों के नाम बताने किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो हमारे भारत के मध्य भाग में से 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए भारत के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में गिना जाता है। भारत उष्णकटिबंधीय इलाकों में आता है, प्रदेश में आता है। उसी तरह ब्राजील भी जो है वह भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही आता है। ठीक है, ब्राजील और भारत में समानता है कि भारत की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय है और ब्राजील की भी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगर आपको डिटेल में समझना है, इसके पहले वाली सारी वीडियो आप लोग एकदम अच्छे से देख लो। अब ठीक है, हमने ब्राजील में भी देखा था, ब्राजील में कोई चक्रवात निर्माण नहीं होता क्योंकि वहां पर समुद्र क्या अलग अलग है और हवाएं एक दूसरे टकराती नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। अनियमित वर्षा, ठीक है ना, किसी प्रदेश में जून जुलाई अगस्त में बारिश हो रही है, किसी में सितंबर अक्टूबर नवंबर बारिश हो रही है, तो अनियमित वर्षा, सूखा, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का भारत को क्या करना पड़ता है, बहुत बार सामना करना पड़ता है क्योंकि भारत की जो जलवायु है वह निरंतर क्या होती, बदली होती रहती है, वह एक जैसी रहती है क्या नहीं रहती, जिसकी वजह से इन सभी प्राकृतिक आपदाओं का भारत को सामना करना पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4 ऋतुएं होती है, ग्रीष्मकाल, ठीक है, वर्षाकाल और वापसी का मानसून, सर्दियों का मौसम। इस तरह से भारत मौसम विभाग ने भारत की जो जलवायु है उसको 4 भाग में बांटा है, ग्रीष्म, वर्षाकाल, वापसी का मानसून, सर्दियों का मौसम। ठीक है बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ब्राजील में बाढ़ आ गई है तो वहां पर देखो किस प्रकार से गतिरोध उत्पन्न होता है। फिर इसी प्रकार हमारे मुंबई में बहुत ज्यादा जगहों पर आपने देखा होगा बाढ़ आने की वजह से इस तरह की दिखाई देता है। फिर ये क्या है, भारत का सूखा मतलब वृष्टि छाया का प्रदेश मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में बहुत सारे इलाके हैं मराठवाड़ा जहां सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर नीचे देखो ये हिमपात, भारत में हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में हिमपात होता है, कोहरा होता है। ठीक है, फिर ब्राजील में वर्षा देख लो यहाँ पर। फिर यहाँ क्या, वनों की कटाई। अब ये बहुत ज्यादा समस्या भारत ब्राजील में सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में वन है। ठीक है, लेकिन वहां की सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि वहां के वनों को काटा जा रहा है क्योंकि वहां पर जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग अपने रहने के लिए जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसके बारे में लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले आगे के पार्ट में। ठीक है, वहां पर जूम खेती की जाती है, वो घूम घूम के खेती की जाती है, जिसकी वजह से और वहां की सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति अपनाई है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ इसको देख लो, यहाँ पर देखो अनावृष्टि चतुर्भुज ब्राजील में, ब्राजील में अनावृष्टि चतुर्भुज जैसे भारत में होता है वैसे ब्राजील में। अब ये चावल की खेती भारत में, तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर चावल की खेती ज्यादा होती है। अब क्या आप जानते हैं राजस्थान के गंगानगर में जून महीने में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, राजस्थान का इलाका, गंगा
गंगानगर यहाँ पर जून महीने 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है, इतना ज्यादा तापमान, क्योंकि वो कर्क रेखा के पास आता है। सिंपल सा लॉजिक है, कर्क रेखा के पास आता है और वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे लंबवत पड़ती हैं। कारगिल शहर की सर्दियों में तापमान -48, मैंने पहले बताया ऊपर हमने पढ़े कि जो हिमालय है या जो हिमालय बर्फीला इलाका वहां पर तापमान सर्दियों के मौसम -40 डिग्री सेल्सियस अर्थात कारगिल में देखो -48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेघालय के खासी जिले में स्थित मौसिनराम में 11 और 842 मिमी एवं चेरापुंजी में 11 और 777 मिमी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की सर्वाधिक वृष्टि वाला स्थान है। तो मेघालय के खासी जिले में स्थित मौसिनराम और चेरापुंजी ये विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है, साल के 12 महीने वहां पर वर्षा होती है, ऐसा होता है। पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर भारत का सबसे सूखा वाला प्रदेश है। पश्चिम राजस्थान जो है वहां का जैसलमेर एक शहर है, वहां पर सबसे अधिक सूखा वाला इलाका माना जाता है। यहाँ साल भर औसतन 120 मिमी वर्षा होती है, बहुत बहुत कम है। भारत के मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, क्यों, क्योंकि जून से लेकर दिसंबर तक बारिश होती है। जब मानसून हवाएं मतलब हिंद महासागर से निकलती तब भी बारिश करती है, फिर वो हिमालय से जब टकरा के वापस आती हैं तो तमिलनाडु में क्या करती है, वापसी का मानसून होता है, ठीक है। अब चेरापुंजी और मौसिनराम में 11,000 मिमी से अधिक वृष्टि होती है, किंतु उसके नजदीक में स्थित शिलोंग में केवल 1,000 मिमी वर्षा होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि चेरापुंजी और मौसिनराम में 1,000 मिमी वर्षा होती है और जो शिलोंग है ना ये चेरापुंजी और मौसिनराम के उस तरफ है और चेरापुंजी और मौसिनराम में पर्वत है, ठीक है, पर्वत वो क्या करती हैं कि जो मानसून हवाएं हैं वह चेरापुंजी और मौसिनराम में जो स्थित पर्वत है वह पर्वत उन हवाओं को रोक लेते हैं और मानसून हवाओं को शिलोंग में जाने ही नहीं देते, ठीक है। जब शिलोंग में मानसून हवाएं जाएंगी नहीं तो वहां पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो इसका कारण आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या आप जानते हैं ब्राजील उष्णकटिबंधीय देश है, मैंने पहले बताया है यहाँ सामान्यतः हिमपात नहीं होता लेकिन भारत में हिमपात होता है, ठीक है, भारत कुछ हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर यहाँ पर हिमपात होता है, किंतु कुछ अवसाद रूप परिस्थितियों में दक्षिण ध्रुवीय हवाएं ब्राजील की दक्षिण भाग में पहुंच जाती है, ऐसे में इस भाग में हिमपात होता है। लेकिन कभी कभी जो दक्षिण ध्रुवीय हवाएं हैं वो ब्राजील के दक्षिण भाग में आती है और वहां पर हिमपात होता है कभी कभी। अब ये कब हुआ है वो यहाँ पर लिख के दिया है, 1857 एवं 1885 में हिमपात हुए हैं ब्राजील में, ये 3 वर्ष है जब वहां पर हिमपात हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो तो यहाँ पर फिनिश होता है और ये पूरा पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो गया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से नॉलेज मिले या जानकारी मिले और समझ में आए तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है उसको शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग